उसे बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है जब उसे अपने दोस्त के धोखेदेही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है जब उसे अपने दोस्त के धोखेदेही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है।
जब उसे अपने दोस्त के धोखेदही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जेन और शीला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है, लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है। जब उसे अपने दोस्त के धोखेदही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है, लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है। जब उसे अपने दोस्त के धोखेदही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का सुकून अमना, शैला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शैला जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शैला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शैला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शैला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शैला अमना के नुकसान का दिखावा करती है, लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया खत शैला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है जब उसे अपने दोस्त की धोखेदेही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शैला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शैला ने अमना को जहर दिया, कि शैला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का सुकून अमना, शैला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शैला जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शैला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शैला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शैला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शैला अमना के नुकसान का दिखावा करती है, लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया खत शैला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है जब उसे अपने दोस्त की धोखेदेही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शैला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शैला ने अमना को जहर दिया, कि शैला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का सुकून अमना, शैला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शैला जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शैला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शैला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी
दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है जब उसे अपने दोस्त के धोखेदेही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूवर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते हैं लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है जब उसे अपने दोस्त के धोखेदेही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूवर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते हैं लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है
जब उसे अपने दोस्त के धोखेदही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जेन और शीला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है, लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है। जब उसे अपने दोस्त के धोखेदही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है, लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है। जब उसे अपने दोस्त के धोखेदही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है, लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है जब उसे अपने दोस्त की धोखेदेही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है, लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है जब उसे अपने दोस्त की धोखेदेही का एहसास होता है। सच्चाई के इंकशाफ के साथ जैन और शेला के दरमियान ड्रामाई तसादुम का स्टेज तैयार हो जाता है। तो व्यूअर, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमना, जो शेला ने अमना को जहर दिया, कि शेला को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि ये ड्रामा आप देखना चाहेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जहर के प्याले में आप देखेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से कस्बे में एक मोहब्बत का तकून अमना, शेला और जैन के दरमियान बातें शुरू होती है। अमना और जैन एक दूसरे से गहरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शेला, जो अमना के बचपन के दोस्त है, जैन के साथ खुफिया जुनून रखती है। जब शेला अमना और जैन के ताल्लुकात को पुलता पुलती देखती है तो इसकी हसद बढ़ जाती है। वो अफवाहें पिलाने और जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने लगती है। अमना शेला के हकीकी इरादों से बेखबर अपनी
दोस्त पर भरोसा करती है और अपने ताल्लुकात के बारे में उससे मशवरा करती है। एक दिन शेला अमना को एक जहर मिला मशरूब पेश करती है। इसे दोस्ताना अंदाज में दिखाकर अमना बेखबर मशरूब पीती है और जल्द ही बीमार हो जाती है। जहन तबाह हो जाता है जब अमना की हालत बिगड़ती है और वो आखिरकार इसके बाजू में मर जाती है। शेला अमना के नुकसान का दिखावा करती है लेकिन जैन इसके मशकूक रवैये का नोट करने लगता है। वो तहकीकात शुरू करता है और अमना का एक खुफिया ख़त शेला की गद्दारी को जाहिर करता है। जैन को दचका लगता है और इसका दिल टूट जाता है।